एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ टू इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है अगर हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 2 को क्या कर दें, 8 कर दें। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। और फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है अगर हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 3 को ऐड कर दें। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो 9/11 ये भी एक प्रकार का क्या है, फ्रैक्शन है जो कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों से मिलकर बना है। ऊपर वाली संख्या को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, अगर हमको फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों पता होना चाहिए, तब जाकर के फ्रैक्शन बनेगा। तो हम लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, देन फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। हमने न्यूमरेटर क्या मान लिया, एक्स मान लिया, डेनोमिनेटर क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई, क्योंकि न्यूमरेटर एक्स हो गया और डेनोमिनेटर वाई हो गया। अब अस पर क्वेश्चन अगर हम इस फ्रैक्शन में, ये वाला जो फ्रैक्शन हमने निकाला है, इसके न्यूमरेटर यानी कि एक्स में और डेनोमिनेटर यानी कि वाई दोनों में 2 को ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ये कहा ना कि अगर हम 2 को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 का इधर वाई प्लस 2 में टू हो जाएगा। तो 11 का एक्स में टू किया तो 11 एक्स, फिर 11 का एस 2 में करेंगे तो 11 टू जा 22 इक्वल टू 9 का वाई में किया तो 9 वाई, और 9 का एस 2 में किया तो 9 टू जा 18। अब वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड रख दो, तो 11 एक्स 9 वाई को इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 22 को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये माइनस का 22 हो जाएगा। यह 11x माइनस 9y यह कितना बच जाएगा, माइनस का 4। ये इक्वेशन क्या बन गया हमारा, फर्स्ट। अब अगेन अस पर क्वेश्चन, अगेन अस पर क्वेश्चन, अब उसने कहा है कि अगर हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 3 को ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो हमारा फ्रैक्शन तो वही है, एक्स अपॉन वाई, दोनों में अगर हम न्यूमरेटर में भी 3 को ऐड कर दें, डेनोमिनेटर में भी 3 को ऐड कर दें, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। इसमें भी क्या कर दोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। 6 का इधर इंटू किया, 6 का x प्लस 3 में इक्वल टू 5 का y प्लस 3 में, तो 6 का x में इंटू किया तो 6x, और 6 का फिर इस 3 में किया तो 6 3 जा 18, 5 का y में किया तो 5y, 5 का 3 में इंटू किया तो 15। x y वाले वेरिएबल एक तरफ ले आओ, माइनस का 5y, ये 18 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस का 15। 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 में से 15 गया तो कितना बचा, माइनस का 3। इस इक्वेशन क्या कह दिया आपने, 2। अब चूंकि हमें ये कहा गया है कि ये जो सवाल है इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2।
इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन वन से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट एक बार लिख लो, 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो 9y को उधर ले जाओ, तो ये प्लस का 9y हो जाएगा। अभी भी x के साथ में 11 है तो ये 11 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। ये पॉजिटिव वैल्यू को आगे लिख लो और नेगेटिव वैल्यू को पीछे की तरफ लिख लो, और 11 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। इसे इक्वेशन हम क्या कह देंगे, 3। अब ये जो इक्वेशन 1 से हमने इस x की वैल्यू निकाल ली है, तो इसे कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में। ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे सामने, 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। अब ये 11 तो वैसा ही रहेगा, x की जगह पर ये पूरी वैल्यू पुट कर दो आप, तो 9y माइनस का 4/11, फिर ये माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4, ये 11 से ये 11 कैंसिल हो गया, तो 9y माइनस का 4 माइनस का 9y माइनस का 4, एक मिनट, हमने क्या करा है कि इक्वेशन 2 में हमको ये वैल्यू रखना है, और हमने कहाँ रख दी है, इक्वेशन ये x की वैल्यू कहाँ रखना, इक्वेशन 2 में, इसमें रखना है। ओके, इक्वेशन 2 में हमें ये वैल्यू पुट करना है इसमें, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, तो 6 x की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे पूरी, 9y माइनस 4/11 माइनस का 5y इक्वल टू माइनस 3। हम चाहते हैं कि डिवाइड में से ये 11 जो है वो हट जाए, तो पूरे को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑन मल्टीप्लाई बाय 11। जब हम इसे 11, जब हम इस टर्म को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 6 × 9y − 4, और इसमें 11 का इंटू करेंगे तो 55y, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 33, ठीक है। 6 9 = 54y, 6 4 = 24 माइनस का 55y और माइनस का 33। इसका हम आगे का इधर सोल्व कर लेते हैं, एक बार मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, वैल्यू क्या थी हमारी, 54y माइनस का 24 माइनस का 55y इक्वल टू माइनस का 33। तो 55y में से 54y जाएगा, माइनस होगा, तो 1y बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या नेगेटिव है इसलिए साइन नेगेटिव, तो माइनस के 24 को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का 24, तो माइनस का y इक्वल टू, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर लो, 4 × 6 = 30 माइनस का 9 बच जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 9, ये वैल्यू हो गई। अब हमने y की वैल्यू तो पुट कर ली है, निकाल ली है सॉरी, अब y की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 3 में। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड हमारा क्या था, x इज इक्वल टू 9y माइनस का 4/11, ये हमारा इक्वेशन थर्ड है, तो इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, 9 × 9 − 4/11, 9 9 = 81 माइनस 4/11 x,
इतना बच जाएगा यहाँ से 77 और नीचे 11। 11 में से 4 को माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 7 4 11, तो 7 बच गया, और इधर से 1 7, तो 11 7 जा एक्स इज इक्वल टू 7। इस प्रकार से इसलिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमने क्या माना था, एक्स अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू हो गई 7 और वाई की वैल्यू हो गई 9, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है।